Hello students, how are you? Today we will be studying about computer icon. So let's start now. Computer icon is used to access all the folders and files stored in a computer. Computer icon का क्या use है कि इसके through आप access कर सकते हो जितने भी file या folder computer में हैं. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है माई कंप्यूटर आइकन. इस तरह से आपको ये डेस्कटॉप पर दिखाई देगा और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेन गेट ऑफ कंप्यूटर. इफ़ यू डबल क्लिक ऑन इट, ऑल द ड्राइव्स एंड द फोल्डर्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. आप उस पर क्लिक करके कंप्यूटर में जितने भी फाइल या फोल्डर स्टोर हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है, लेट्स स्टार्ट नाउ. Now click on start and then computer, and here you can see all the drives are up. You can see C drive, D drive, E drive. When you click on C drive, you can see all the files and folders in C drive. Here you can see, you can open this and you can see all the files and folders. Now if you click on D drive, you can see all the files and folders in D drive. तो इस तरह से आप अपना पूरा कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? माई कंप्यूटर की हेल्प से. यहाँ पर सी डी ड्राइव भी है. सी डी आप इंसर्ट करेंगे, सी डी में जो कुछ भी है उसको भी आप ओपन कर सकते हो. पेन ड्राइव आप लगाएंगे, पेन ड्राइव को भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स.